हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू द कैम वार्ड। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर की, जिसमें हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। एक्चुअली में जो फर्स्ट ऑर्डर का था, हमने कल डेरिवेशन किया हुआ था, उसके बाद हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था। अब लेक्चर बीच में से ही स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए आज हम फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन की, जिसमें हम रेट वेलोसिटी का कांस्टेंट वाला इक्वेशन डिराइव करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिसको कहते हैं वो डिराइव करेंगे। इसके बाद हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें और खत्म करेंगे हम हाफ लाइफ में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करी थी कि जैसे कोई रिएक्शन है ए और वो कहाँ पे जा रही है, प्रोडक्ट में जा रही है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन होगा, जो रेट होगा, वो रेट डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। और हम इसी रेट को कैसे लिख सकते हैं कि रेट इक्वल होगा किसके, के, और यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन किसका, ए का। अब बात आती है कि जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। स्टार्टिंग का जो टाइम है वो टाइम जीरो है। टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन इसकी सपोज ए है, कंसंट्रेशन कितनी है, ए है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है। आफ्टर टाइम टी दी कंसंट्रेशन विल बी ए माइनस एक्स एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एक्स, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जब टी टाइम पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, कंप्लीट होने के बाद ये कंसंट्रेशन बचती है, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा इसमें, और एक क्या होगा, एक फाइनल कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसका रेट ड्रॉ करना चाहें तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल होगा किसके, ये रेट किसका है, इसके डिफॉर्मेशन का, ये इक्वल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ के इंटू ए के, कंसंट्रेशन के इंटू ए के, इसको कर देंगे इक्वेशन वन। अब जो रेट है तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, ए माइनस एक्स, कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए माइनस एक्स, तो वो हो जाएगी ए माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे, रेट की जगह हम लिखेंगे कंसंट्रेशन किसी भी के लिए डी एक्स बाय डी टी इक्वल होगा किसका, माइनस डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, माइनस डी एक्स बाई डी टी तब लिखेंगे जब ये वाली कंडीशन लिखेंगे। लेकिन अगर किसी की रेट लिख रहे होंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली किसका, इक्वल हो जाएगा के ए इंटू एक्स के। अब क्या होगा, डी एक्स के नीचे ए माइनस एक्स वाली टर्म ले आएंगे और यहाँ पे हो जाएगा के डी टी चला जाएगा इस साइड में, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन का, इक्वेशन टू का क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब डी बाई ए माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे, तो इक्वल क्या आएगा इसका, के टी, ये के, और के कांस्टेंट है तो के को क्या कर देते हैं, हम बाहर कर देते हैं, अंदर बचता है डीटी। और जब इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो माइनस का लॉन ए माइनस एक्स इक्वल आएगा किसका, के, के टी प्लस सी के। सी क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन में हम थर्ड में क्या करते थे, हम टी इक्वल जीरो कंसिडर करते थे। जब हम टी इक्वल जीरो कंसिडर करेंगे तो एक्स इक्वल भी क्या हो जाएगा, जीरो, t इक्वल जीरो, तो x इक्वल क्या है, जीरो। तो यहां पे जब रखेंगे तो लॉन a माइनस जीरो इक्वल k इंटू जीरो प्लस सी। तो ओवरऑल जो जो c की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का लॉन a है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन अपनी, ये वाली इक्वेशन जो आपकी आई है, ये वाली थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे तो जो वैल्यू आती थी हमारी वो कैसे आती थी कि माइनस माइनस लॉन ए माइनस एक्स इक्वल था किसके, के टी प्लस प्लस, ये क्या है, माइनस का लॉन ए, माइनस का लॉन ए, और माइनस का लॉन ए आएगा तो प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के लॉन ए में, ठीक है। और यहां से हमने क्या ड्राइव किया था, यहां से हमने के टी इक्वल निकाला था, तो के टी इक्वल क्या आया था, लॉन ए माइनस लॉन लॉन ए माइनस एक्स, यही तो आया था, लॉन ए माइनस लॉन ए माइनस एक्स। और जब लॉन की ऐसी टर्म आए जिसमें a माइनस बी करके अगर देखें, तो अगर देखो लॉन a माइनस लॉन b है तो ये इक्वल होता है किसके, लॉन a डिवाइडेड बाय b के, यही था। ये एक क्या है, एक फॉर्मूला है लॉन के रिस्पेक्ट में देखने के लिए। तो यहां पे जो आएगा तो kt इक्वल क्या हो जाएगा, लॉन a ऊपर चला जाएगा, सॉरी लॉन आ जाएगा इक्वल लॉन a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। और यहां से जब हम k इक्वल निकालेंगे तो 1 बाय टी लॉन ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स।
और जब हम नेचुरल लॉग को लॉन को नेचुरल लॉग कहते हैं, जब लॉग लॉन को हम लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 का। तो के इक्वल हमारा इक्वेशन आया था 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग बेस 10 और ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या आया था, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, हम कहें अगर हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या है, ए नॉट है, वो क्या है, ए नॉट है, और आफ्टर टी टाइम का कंसंट्रेशन है, जो आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन क्या है, वो है कंसंट्रेशन ए। तो जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी किसके रिस्पेक्ट में, जो आपका ए है वो हो जाएगा ए नॉट, जो आपका ए है इनिशियल कंसंट्रेशन वो हो जाएगा क्या, ए नॉट, और जो आपका ए माइनस एक्स है फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, तो वो हो जाएगा ए माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ए की। तो जो आपकी फिर से नई टर्म निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, के इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग बेस 10 और यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा ए नॉट और ए माइनस एक्स की जगह आ जाएगा ए। तो अगर आपको सीधे सीधे टर्म ये दे देता है कि आप बताएं कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी दे दी गई वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन की और आपको दे दी गई वैल्यू आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन की, या फिर कहे कि आपको 20 मिनट्स के बाद जो भी आपको कंसंट्रेशन है वो इतना है, दैट मींस वो आपकी बात कर रहा है कंसंट्रेशन ए की, तो आप इसके रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, इतना तो हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्लियर है। क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। गुड, अब जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसी इक्वेशन को हम इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं कि kt हो जाएगा और जो a है a की जगह क्या हो जाएगा, देखो log की जगह ln कर दिया और एक जो a है वहां पे क्या कर दिया, a नॉट और डिवाइडेड में कर दिया a, इतना कर सकते हैं। अब जब भी हम कभी भी log हटाते हैं, ठीक है, जब भी इधर log हटाते हैं तो इसके दूसरे वाले पार्ट में, जैसे हम RHS में राइट हैंड साइड में हम log हटा रहे हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल पावर kt इक्वल हो जाएगा किसका, log हट जाएगा, और जब log हट जाएगा तो ये आ जाएगा a नॉट डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब हो सकता है हम क्या कर दें, इसकी कंसंट्रेशन को उल्टा कर दें, दैट मींस अगर ए को ऊपर रखना है तो हम कह सकते हैं कि जो ए ऊपर चला जाएगा और जब ए नॉट नीचे आ जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम ऐसे भी आगे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि ए नॉट की जो कंसंट्रेशन अगर पूछ ली जाए तो वो होगा, ए की कंसंट्रेशन पूछ ली जाए तो ए नॉट ई टू दी पावर माइनस kt, एक इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ये भी मिल जाती है। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में। अब बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि हम आखिरकार इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ आता है, पहला ग्राफ आता है, ठीक है, तो ग्राफ को हम कैसे मेजर करते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से मेजर करते हैं। तो जब हमें y इक्वल एम एक्स प्लस सी से आपको इसको कंपेरिजन करनी होती है, तो हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी, जब हमने इक्वेशन यहां पे एक ड्रॉ करी थी वो क्या थी, लॉन a माइनस एक्स इक्वल क्या था, k माइनस का लॉन a, kt लॉन a, यही तो था। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहां का माइनस हटाएं तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा लॉन a माइनस एक्स इक्वल माइनस का kt और प्लस का लॉन a। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन को अगर यहां से मेजर करें तो y इक्वल क्या हो जाएगा, लॉन a माइनस एक्स, ठीक है, m इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का k, दैट मीन्स आपका निगेटिव स्लोप आएगा, कैसा आएगा, निगेटिव स्लोप, और यहां पर एक्स इक्वल क्या आ जाएगा आपका टी, और आपका सी इक्वल आ जाएगा लॉन ए। ठीक है,
तो ये अब आप जब इस वाले इक्वेशन से आप मेजर करेंगे तो जो आपका ग्राफ आएगा, तो क्योंकि आपका वाई एक्सेस में लॉन ए माइनस एक्स है, तो ये आपकी क्या है वाई एक्सेस, ये आपकी क्या है एक्स एक्सेस, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉन ए माइनस एक्स का, और यहाँ पे आएगा टाइम टी के रिस्पेक्ट में जब आप ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, क्योंकि जो आपका ग्राफ आने वाला है वो निगेटिव स्लोप का आने वाला है, तो टाइम जब जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा तो लॉन ए माइनस एक्स का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन पहले यहाँ रहेगा और फिर वो क्या करेगा टाइम के साथ में डिक्रीज करता जाएगा। भाई है क्या आपका जो रिएक्शन है ए एरो पी है, टाइम जब आपका जीरो है तब ये ए है ये जीरो है, और जब टाइम आपका टी है तो ये ए माइनस एक्स है और ये एक्स है, दैट मीन्स ये टाइम जैसे ही बढ़ता जा रहा है ये डिक्रीज होता जा रहा है, ए माइनस एक्स क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, तो होगा क्या जो आपका स्लोप आएगा वो क्या आएगा कॉन्स्टेंट डिक्रीज आएगा, एक एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डिक्रीज आएगा, बिल्कुल यहां से सीधे डिक्रीज हो जाएगा ये, तो ये जो आपका स्लोप है ये स्लोप कैसा है आपका माइनस का के, ठीक है। अब आप अगर इसको लॉग के रिस्पेक्ट में देखो, अगर इस ग्राफ को आप लॉग के रिस्पेक्ट में देखो तो कैसा आएगा, जब आप इसको लॉग के रिस्पेक्ट में देखोगे लॉग ए माइनस एक्स और यहाँ टाइम टी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ तो वही रहेगा कांस्टेंट डिक्रीज वाला रहेगा, लेकिन जो स्लोप होगा वो स्लोप हो जाएगा क्या माइनस का के डिवाइडेड बाय 2.303। तो आपको ये ग्राफ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप लॉग के रिस्पेक्ट में नहीं देखें, अगर आप डायरेक्ट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका एक तीसरा ग्राफ भी हो सकता है, और वो तीसरा ग्राफ किसका होगा ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन का और टाइम के रिस्पेक्ट का होगा। तो जो वो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, क्या बनेगा हाइपरबोला, हाइपरबोला ग्राफ कहते हैं इसको, या हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं। क्या होगा, पहले तो ये इंस्टेंट डिक्रीज होगा, फिर धीरे 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 जाके एक टाइम पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास रिस्पेक्ट में थ्री ग्राफ्स बनते हैं, जिनमें एक स्लोप माइनस के है, दूसरा स्लोप माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 है, और तीसरा है आपका ए माइनस एक्स और टी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ठीक है, आ गया। अगर डाउट है तो अभी कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हो। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे हाफ लाइफ की तरफ, ठीक है। ओके, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें हाफ लाइफ अगर डिराइव करना है तो हम हाफ लाइफ कैसे डिराइव कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने इक्वेशन देखी है k इक्वल क्या है 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग बेस 10, और यहां पे क्या था a नॉट डिवाइडेड बाय a था, कब जब हमारा कोई रिएक्शन a किसमें जा रहा है p में जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट में जा रहा है, टाइम इक्वल जीरो में इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन a नॉट है और यहाँ पे जीरो है, और टाइम इक्वल टी पे इसका कंसंट्रेशन ए हो गया है और यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट निकल गया है, दैट मीन्स अगर इसको एक्स मान के चलूँ तो ये एक्स पार्ट इससे निकल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइम का क्या कर दें 1/2 कर दें, टाइम को क्या कर दें, टाइम को आधा कर दें, टी हाफ कर दें, टाइम इक्वल टी हाफ हो जाएगा, तो जो आपका कंसंट्रेशन है, जो आपका आपका कंसंट्रेशन है ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा ए नोट का आधा हो जाएगा, इसका आधा, इसका ये पूरा ए, इसका आधा ए नोट, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में कर सकते हैं कि टी इक्वल क्या कर दें, हम टी हाफ रख दें और आपको कंसंट्रेशन ए की जगह आप क्या रख दो ए नोट डिवाइडेड बाय 2 रख दो, तो जो आपका के यहां है तो टी को इधर ले आओ, तो टी की जगह क्या हो जाएगा टी हाफ इंटू इक्वल टी 2.303 डिवाइडेड बाय यहां पे के log 10 और यहां पे क्या हो जाएगा a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट बाय 2, a नॉट से a नॉट कैंसिल हो गया 2 ऊपर चला गया, तो t हाफ इक्वल हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू log 10 और 2, तो जो log 2 की वैल्यू होती है तो यहां पे log 2 की वैल्यू रखोगे 0 पॉइंट कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 1.3010, तब आप यहां रखोगे तो टी हाफ इक्वल आएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय के, तो ये जो टी हाफ आपका निकलेगा ये निकलेगा 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो ये क्या है, ये हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, हाफ लाइफ आ गया, जिसको हमने कल न्यूमेरिकल्स में यूज भी किया था। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ लाइफ है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्लियर हो गया ना, हाफ लाइफ में हमने किया क्या है, बस हमने टी की जगह टी हाफ रखा, और जब टी की जगह हम टी हाफ रखेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, इसलिए जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी है, इसलिए यहाँ पे ए नॉट बाई टू रखा है, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, टू पर चला गया, लॉग टू की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई किया, तो आपका टी हाफ निकल के आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट आपको दिया है, के इक्वल दिया है कितना, 5.5 × 10⁻¹⁴ -14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, जब भी ये सेकंड इनवर्स दिया हो आप ध्यान देना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दिया है, अगर वो नहीं बोलता है तब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वो आपसे पूछ रहा है आप टी हाफ इसका कैलकुलेट करो, सिंपल है, आप क्या करो, टी हाफ का फॉर्मूला अप्लाई करो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के, और के की वैल्यू कितनी है, 0.693 तो रखा है, के की वैल्यू है 5.5, कितना है, 5.5 × 10⁻¹⁴ सेकेंड इनवर्स, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये जीरो पॉइंट है, तो जो आंसर आएगा वह आपका आएगा कितना, 1.26 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये क्या आ गया, टी हाफ आ गया। ठीक है, अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया है, टी हाफ पूछा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ये किसका लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, हो सकता है आपको के दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले, टी पूछ ले, इसका टाइम पूछ ले, पूरा रिएक्शन का कितना टाइम है, तो आपको टी निकालना है, हो सकता है रेट कांस्टेंट पूछ ले, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम दे दे, ये आपको कंसंट्रेशन दे दे, तो भी आपको निकालना है, तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी के तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फिर से दे रखा है उसने, कितना है वो है 1 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, ये आपको क्या दिया है, आपको रेट कांस्टेंट दिया है, कह रहा है इन हाउ मच टाइम मतलब टाइम पूछ रहा है, हाउ मच मतलब टाइम पूछ रहा है, टी कितना पूछ रहा है कि आपकी जो सब्सटेंस है 8 ग्राम का सब्सटेंस है वो डीकम्पोज होके कितना हो जाए, 4 ग्राम हो जाए, दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट इक्वल कितना है, 8 है, और आपका फाइनल कंसंट्रेशन ए इक्वल कितना है, 4 ग्राम है। मैंने फाइनल क्यों बोला, क्योंकि वो भी पूरा कंपोज का टाइम पूछ रहा है, डीकम्पोज का टाइम पूछ रहा है कितना लगेगा, वो नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि हाफ लाइफ बता, वो टाइम पूछ रहा है। ठीक है, आपको के दिए है, टी निकालना है, ये गिवन है, आप क्या करो फॉर्मूले पुट कर दो। ठीक है, टी चाहिए तो टी को इधर ले आओ, के को इधर भेज दो, तो टी इक्वल हो जाएगा क्या, 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है, 10⁻³, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग 10, और ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 8, और यहाँ वैल्यू कितनी है, 4 × 2 = 8, तो ये कितना हो गया, 2 आ गया, log 2 की वैल्यू आपको पता है, तो 2.303 × log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाय 10⁻³, और जब आपने इसका भी मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आया था 0.693, और इसका इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगी तो 10³ हो जाएगी, तो ओवरऑल जो टाइम आएगा टी इक्वल 693 सेकेंड, कितना आएगा, 693 सेकेंड आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चंस गिवन है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देख लो क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है ऐसे ही आपको बेवकूफ बना रहा है, स्यूडो मतलब वो कुछ नहीं है झूठ मूठ का, स्यूडो मतलब फाल्स फेक, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो क्या करे, दिखने में क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो, लेकिन वो होती क्या है, फर्स्ट ऑर्डर होती है, ऐसी रिएक्शन जो कि क्या हो, देखने में आपको ये लगे कि आपके पास रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं, मोर देन वन है, फिर भी उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा यहाँ पे, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें मैंने CH3 COOC2H5
एथिल मेथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन या एथिल मेथिल ईथर कह सकते हैं। इसको लिया और मैंने इसको H2O से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, H2O से करा दी, या फिर इसी का नाम क्या है, इसका नाम है एथाइल एसीटेट। इसको सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, एथाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, मैंने H2O से करा दी, तो जो हमें मिला वो बना क्या, CH3COOH एसिटिक एसिड और साथ में बना C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपको एक रिएक्शन दी गई है और आपसे पूछ रहा है आप इसका रेट फाइंड करो, क्या करो आप इसका रेट फाइंड करो। तो जब आप इसका रेट फाइंड करोगे तो होगा क्या कि जब स्टार्टिंग का टाइम होगा तो रेट क्या होगी, आप जनरली जो रेट लिख दोगे वो इस तरह लिख दोगे कि CH3COOC2H5 इस पे भी डिपेंड करेगी और H2O इस पे भी डिपेंड करेगी, और 1 और 1 का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कितना आएगा, 1+1=2। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हम काउंट नहीं करते। इसमें क्या होता है, वाटर काउंट नहीं होता, क्योंकि जो भी रिएक्शन डिपेंड कर रही है वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, बस उसको एक मीडियम चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो H2O क्या है, एक मीडियम का काम कर रहा है जो उसकी रिएक्शन करवा रहा है, और ओवरऑल जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, एथाइल एसीटेट पे। इसलिए रेट इक्वल क्या हो जाएगा, रेट इक्वल के CH3COOC2H5 कंसंट्रेशन, और जो ऑर्डर आएगा वो आपका कैसा आएगा, ऑर्डर आएगा फर्स्ट। तो ये क्या होगा, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये रही बात हमारे पूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हमने जीरो ऑर्डर की भी बात कर ली है, हमने एक डीपीपी भी सॉल्व करी है, ठीक है। एक डीपीपी मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको भी सॉल्व करिएगा, और अगर आपको उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।